अमेरिका के पास 68 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 14 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। रूस के पास 29 पनडुब्बी हैं, जिनमें 11 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। चीन के पास 12 पनडुब्बी हैं, जिनमें 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। ब्रिटेन के पास 11 पनडुब्बी हैं, जिनमें 4 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। फ्रांस के पास 8 पनडुब्बी हैं, जिनमें 4 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। लेकिन ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ पनडुब्बी से मिसाइल हमले की वजह रूसी पनडुब्बियों की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है। इसके पीछे की कहानी है खुद दुनिया के सबसे छोटे समंदरों में शुमार ब्लैक सी, जिस पर रूस का 300 सालों से दबदबा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस दबदबे को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी में नेटो देशों की दखल रूस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। लेकिन ये कैसे, ये समझने के लिए काला सागर का पूरा भौगोलिक शास्त्र समझना होगा। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। इन देशों में 4 ऑलरेडी नेटो के सदस्य हैं। जाहिर है रूस की चुनौती बड़ी है, क्योंकि 5वां देश यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है, और रूस ये कभी नहीं होने देगा, चाहे पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े। कीव से लेकर मारियुपोल तक बमों की बारिश की वजह से ये काले पड़ जाएंगे। पुतिन की सेना इस वक्त भी यही कर रही है, हमले पर हमले। ये बात दिगर है कि इस महायुद्ध का हासिल अब तक नील बटे सन्नाटा है। लेकिन जहां तक बात ब्लैक सी की आती है, पुतिन सब कुछ दांव पर लगाने के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। इसका कारण सिर्फ रूस का ब्लैक सी के किनारे बसा होना नहीं है, इसका कारण है वो खजाना जो ब्लैक सी में छिपा हुआ है। यानी ब्लैक सागर में रूसी हित को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने वाले गेहूं और स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्लैक सी के किनारे बसे शहरों में ही होता है। नेटो में शामिल देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से ब्लैक सागर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां रूस का नेवल बेस सेवेस्टोपोल है। रूस इस इलाके में नेटो का दखल नहीं चाहता। ब्लैक सी को रूस यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार मानता है। यहां से वो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है, यहां से दक्षिणी यूरोप के शहरों में अपने सामान पहुंचाता है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र को यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ब्लैक सी में नेचुरल गैस और तेल का भंडार है। जाहिर है ऐसी जलराशि पर अमेरिका और यूरोप की नजर हो तो रूस यहां से मिसाइल मारकर डायरेक्ट मैसेज तो देगा ही, क्योंकि रूस और नेटो यूक्रेन संकट पर आमने सामने हैं। नेटो कई बार रूस को यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए धमका चुका है। इतना ही नहीं, नेटो ने यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया है। वहीं रूस नेटो को सीधे तौर पर अपने देश के लिए खतरा मानता है। ऐसे में हो सकता है कि पनडुब्बियों का इस्तेमाल पूर्वी यूक्रेन में अमेरिका और नेटो की ताकत पर लगाम लगाने के मकसद से किया गया हो। 14 अप्रैल को इसी ब्लैक सी में रूस का जंगी जहाज मॉस्कवा को जल समाधि लेनी पड़ी थी। पुतिन ये भी नहीं भूले हैं, और शायद यही वजह है कि परमाणु बम दागने की क्षमता वाली कैलिबर मिसाइल ब्लैक सी से दागी जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता
बता दें रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के हमलों में 219 बच्चों की मौत की खबर है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि रूस के हमलों में 219 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 404 बच्चे घायल हुए हैं। ये बड़ा आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है रूस पर। ये बड़ा आरोप कि अब तक रूस के हमलों में 219 बच्चों की मौत हो चुकी है, 404 बच्चे घायल हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध लगातार जारी है। तीसरे महीने में ये महायुद्ध प्रवेश कर चुका है और ऐसे में लगातार मासूमों की जान जा रही है। और ऐसे में ये बड़ा आरोप यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगाया गया है कि अब तक 219 बच्चों की मौत हो चुकी है और 404 मासूम ऐसे हैं जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जख्मी हुए हैं। 404 बच्चे और 219 बच्चों की जान जा चुकी है इस महायुद्ध में। रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कई शहरों में कब्जा करने के बाद हमले इस कदर तेज कर दिए गए हैं कि अब लोगों की जान जा रही है। और अब बात आखिरी आक्रमण की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने दावा किया है कि आज से 8वें दिन यानी कि 9 मई को पुतिन अपने देश की पूरी सेना यूक्रेन में उतारने का ऐलान कर सकते हैं। अब तक इस युद्ध में रूस के सिर्फ 2,00,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के हर गांव हर शहर पर रूस के 30,00,000 सैनिकों का कहर टूट पड़ेगा। यह दावा पूरी दुनिया को डराने वाला है क्योंकि अगर ये कयास सच हो गया तो दुनिया एक ऐसे युद्ध की गवाह बनेगी जैसा युद्ध पिछले कई दशकों में दुनिया ने नहीं देखा है और ये हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकते हैं। युद्ध को महायुद्ध में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी पूरी की पूरी सेना इस युद्ध में उतार देगा। रूस के 2,00,000 सैनिकों ने अब तक यूक्रेन में जो कहर बरपाया वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर पुतिन यूक्रेन पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने का मन बना लेते हैं तो फिर इस युद्ध में रूस के 30,00,000 सैनिक शामिल हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में रूस ने 2,00,000 सैनिक उतारे, लेकिन रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 10,00,000 से ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास 20,00,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। इतना ही नहीं, रूस की नौसेना के पास 1,50,000 नौसैनिक हैं और 350 जंगी जहाज हैं। और रूस की वायुसेना भी करीब 3,500 लड़ाकू विमानों के साथ यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए तैयार है। सैनिकों की संख्या के मामले में रूस के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। यानी अगर रूस अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक देगा तो यूक्रेन का हर शहर, हर गांव और गली मोहल्ला राख में मिल जाएगा। लेकिन पुतिन आखिर ऐसा करेंगे क्यों? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर उतारेगा? और क्या तब ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? दरअसल हर साल 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है। 9 मई 1945 को सोवियत संघ की सेनाओं ने नाजी जर्मनी की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था और उसी जीत की याद में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल किया जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी दिन पुतिन ये घोषणा कर सकते हैं कि अब वो स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में बदलने जा रहे हैं और इसी के साथ वो इस जंग में रूस की पूरी सेना को उतारने का ऐलान भी कर सकते हैं। ये दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने किया है, जिनके मुताबिक रूसी सेना के अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि ये युद्ध अपने तीसरे महीने में पहुंच चुका है लेकिन जीत अब भी बहुत दूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना के कई जनरल्स को लगता था
कि वो 2 से 3 हफ्तों में निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब रूस के सैन्य अधिकारी पुतिन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो इसे औपचारिक रूप से युद्ध का दर्जा दे दें, ताकि रूस की पूरी सेना को यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी जा सके और रूस के 30 लाख सैनिक यूक्रेन को नेस्तो नाबूद कर दें। ऐसा ही दावा नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने किया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये युद्ध पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि अभी तक रूस को इस युद्ध में क्या हासिल हुआ है और नक्शे पर रूसी सेना की ताजा स्थिति क्या है। शुक्रवार को जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर थे, तभी रूस की सेना ने कीव पर 5 मिसाइलें दागी। पूर्वी यूक्रेन के इल्ज्यूम में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ दिया है। डोनेट्स्क में भी यूक्रेनी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद एक बड़े फ्यूल डिपो में आग लग गई है। मारियोपोल से रूस की सेना का एक बड़ा हिस्सा डोनबास की तरफ रवाना हो चुका है। खेरसोन में यूक्रेन की करेंसी को रूस के रूबल से बदलने का ऐलान किया जा चुका है, यानी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस को जीत मिली है, तो अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे रूस की सेना को खाली करना पड़ा। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आधी अधूरी सफलता से रूस की सेना के बड़े अधिकारी नाराज हैं, खासकर जिस तरह से कीव से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा, उससे पूरी की पूरी सेना का मनोबल टूटा हुआ है। इसलिए अब पुतिन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी सेना को यूक्रेन पर पूरे दमखम के साथ कब्जे की इजाजत दे दे। हालांकि इससे पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि पुतिन 9 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं और डोनबास और डोनेट्स्क जैसे इलाकों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रूसी हमलों ने रफ्तार पकड़ी है, उससे ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने बीबीसी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सबसे खतरनाक स्थिति ये होगी कि पश्चिम को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझना पड़े, और अगर पश्चिम इसकी तैयारी करता है तो इससे रूस को रोका जा सकता है, क्योंकि पुतिन को नेटो की शक्ति समझ में आती है। इस बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा है कि ये युद्ध अगले 5 से 10 वर्षों तक चल सकता है। इन सारे बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले 9 से 10 दिन यूरोप समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। अगर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पुतिन को रूस में सफलता नहीं मिली तो फिर वो परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। रूस के इस न्यूज चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये कयास रूस के टीवी चैनल ने लगाए। इस टीवी शो के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की गई और इसी चर्चा के दौरान इस तरह की आशंका जताई गई कि अगर रूस को लगा कि वो पिछड़ रहा है तो फिर वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन परमाणु हमले की चेतावनी सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आई है, बल्कि रूस के एक पड़ोसी देश में बैठे तानाशाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो खतरा महसूस होने की स्थिति में पश्चिम के देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन का दोस्त ये तानाशाह कौन है और उसने क्यों दुनिया को परमाणु हमले की चेतावनी दी है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर पता चलेगा।